आप देख रहे हैं जाने फाती किचन और आज हम बना रहे हैं हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए, हमारे पास है एक से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास है ग्रीन चिली, और इसको हमने इतने बड़े पीसीस में कट कर लिया है। ये थोड़ी कम स्पाइसी जो हरी मिर्च होती है ये हमने बोली है, आप चाहते हैं तो जो मर्ज़ी ले सकते हैं और इसके कटिंग भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और हमें स्पाइसेस में चाहिए, हमारे पास है 1 1½ टेबल स्पून सौंफ, थोड़ा सा हमारे पास है मेथी दाना, 1/3 टीस्पून 1/4 टीस्पून हमारे पास है मेथी दाना, और 1½ टेबल स्पून है हमारे पास राई, कलौंजी है हमारे पास 1 टीस्पून, अजवाइन है हमारे पास 1/4 टीस्पून, ज़ीरा है हमारे पास वाइट ज़ीरा 1½ टेबल स्पून, और ये थोड़ी सी हमारे पास है हींग, एक चुटकी हींग ले रही है हमने, 1 टेबल स्पून हमारे पास है धनिया, साबुत धनिया। इन स्पाइसेस को हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब हमने एक पैन ले लिया और इसमें हम इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। सौंफ हम सारी ऐड कर देंगे इसके अंदर पैन में, कुछ स्पाइसेस को हम रोस्ट कर लेंगे और कुछ स्पाइसेस हमें रोस्ट नहीं करनी, सारी सौंफ ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, धनिया भी हम इसी में ही ऐड कर देंगे। सौंफ सौंफ के ये जो हमने हींग ली है ये नहीं ऐड करनी, सारा धनिया भी हमने डाल दिया है, मेथी दाना जो है हमारे पास ये भी ऐड कर देंगे, और ये भी राई, ऐड कर देंगे हम राई, और थोड़ी सी राई हम बचा लेंगे, कलौंजी भी हम ऐड कर देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी हम बचा लेंगे, और ये जो हमारे पास अजवाइन है ये भी ऐड कर देंगे हम, ज़ीरा भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, बिल्कुल बचा लेंगे हम। बस ये थोड़ी सी स्पाइसेस हैं कुछ जो हमने थोड़ी थोड़ी सी बचा ली हैं, जो ये हम बाद में यूज़ कर लेंगे, और हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें जो कुछ मॉइस्चर है वो भी ड्राई हो जाए। ज़्यादा हमें इसे रोस्ट करके ब्लैक नहीं करना, बस नॉर्मल सा रोस्ट करना। ये देखिए हमारे स्पाइसेस थोड़े थोड़े से भून चुके हैं, अब हम इसको किसी प्लेट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए ये जो हमने स्पाइसी सब भून के रखी है इसको हम थोड़ा मोटा मोटा सा पीस के रख लेंगे, और अब हम अपनी हरी मिर्च का अचार रेडी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमने ले लिया है 5 टेबल स्पून अराउंड हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, इसको थोड़ा प्री हीट कर लेंगे हम। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमने कलौंजी, राई और ज़ीरा, हींग हींग जो हमने साइड पे रखी थी ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। ये देखिए हमारे हमने जो चीज़ें ऐड की हैं पकना स्टार्ट हो गई हैं, फ्राई होना। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी ग्रीन चिली जो हमने ले ली है, और इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस में हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर हम ले लेंगे 1/2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हम थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे, ब्लैक सॉल्ट हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे तो थोड़ा सा हमने पिंक सॉल्ट यूज़ कर लेना है और थोड़ा सा नॉर्मल जो हमारा सॉल्ट होता है वो यूज़ कर लेंगे हम। ओके, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको करना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करनी हमने, हमारे स्पाइसेस वरना जल जाएंगे। तो हम 30 मिनट थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे स्पाइसेस के साथ बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो मज़े का हमारा अचार ही रेडी होगा। आप किसी भी दाल या राइस के साथ इसको सर्व करें, बड़े ज़बरदस्त यमी टेस्ट आता है इस अचार का, आप घर में बनाएं और एंजॉय करें इसे, और मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो और ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ आप इसमें नॉर्मली ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने स्पाइसेस पीसे हैं ये ऐड कर देंगे हम इसमें,
हमने इसको बिल्कुल मोटा मोटा सा, ये हमारे पास मसाला है, ये भी ऐड कर देंगे। ये देखिए सारी हरी मिर्चों के ऊपर इतना अच्छा सा कोट हो चुका मसाला, इतना मज़ेदार सा। इसको हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट अराउंड, ताकि ये जो स्पाइसेस की खुशबू है और अच्छी सी आना स्टार्ट हो जाए। वैसे भी बड़े मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। अब इसमें हम ऐड कर देंगे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर हमने ले लिया है 1 टीस्पून। ये देखें इसे 1 मिनट हो चुका है अराउंड, और अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे। इमली का पल्प हमने ले लिया है 1/2 कप। इसको ऐड कर देंगे और हम इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा देर कुक करने के लिए, 1 से 1.5 मिनट, ताकि हमारी ग्रीन चिली जो है अच्छी सी इसमें ही टेंडर हो जाए। जो इमली का पल्प है इसी में टेंडर हो जाएंगी और हमारा ऑयल भी सेपरेट हो जाएगा। फिर देखें 1 मिनट हो चुका है, ये टेंडर भी हो गई हैं और बिल्कुल अच्छी से हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, हमने 2 लेमन के जूस ले लिया है, ये ऐड कर देंगे। थोड़ी देर इसे कुक कर लेंगे, 30 सेकेंड हम इसे और थोड़ा सा कुक कर लेंगे। देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। हमें इतनी ही पल्प से ही हम इसको थोड़ा थिन कर लेंगे और मोटा मोटा सा, ये देखिए मसाला बिल्कुल बारीक, आपने इसको नहीं पीसना मसाले को वरना टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। मोटा मोटा सही हमने मसाला रखना अपना, बस रेडी है हमारा हरी मिर्च का अचार। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे फिर हम डिश आउट कर देंगे।